یم گئے ترین دکان ابھی نا آئے ابھی آ رہے ہیں Quick action of Vakf and quick action of my traders. चलो काबे गफलत से बेदार तो हुए, सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं अंदर आ जाऊंगी ना, बाकी काम आपका है। देखिए ताजर किसी भी सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी होती है और वक्फ की दुकानें ये हैं, ये आप सब जानते हैं। इनके साथ एक रेंडीड हुआ था बहुत पहले जी। और आजकल जो हमारा रेंट है, रेंट एग्रीमेंट जो हमारे हर एक ताजिर के साथ है, हर एक अपने जो हमारे लेसी होता है उनके साथ होता है जी। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इन्होंने काफी अरसे से हमारे रेंट नहीं दिया था जो आपके सामने है। अभी जब ये आए हमारे साथ, क्योंकि हमने कल इनके शॉप्स को सील कर दिया था, आज हम इसलिए आए क्योंकि ये सारे आए, ये हमारे मुआज़्ज़ज़ हैं, अजीज हैं हमारे। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि इनको नुकसान हो जाए, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारे वक्फ को नुकसान ना हो और वक्फ चले साथ साथ इनके, क्योंकि इनका रिज़िक और रोजी इसी पे चलता है। इन्होंने हमारे साथ जो मुआज़्ज़ज़ हमारे शख्सियात आए हुए थे ऑफिस में, आप सब जानते हैं, इन्होंने हमारे साथ बातचीत की। अभी ये हमें जो रेंट है बकाया इनका वो हमें दे रहे हैं, बाकी जो इनके बकाया जात है वो भी ये बहुत जल्द दे देंगे हमें। और इंशाल्लाह ताला वक्फ भी फाल बनेगा और इनकी दुकानें भी चलेंगी। लीज ऐसे नहीं होता है, ये एक रेंट डीड होती है, चाहे वो 11 महीने की हो या 11 साल की हो, वो लीज होता है। वो इनको नए सिरे से करना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि रेंट डीड ऐसे नहीं बढ़ता है, वो एक लीज पीरियड होता है, एक रेंट डीड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो इनको नए सिरे से करना पड़ेगा, तब इनका तिजारत बिना किसी खलल के चले। वो उसी पे वो हो गया जो हमारा जैसे है, जैसे किसी का 5,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 13,000 है, और जो 9,00,000 इनका किराया बकाया था वो तय हो गया कि ये दे देंगे इंशाल्लाह।